हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। न्यूज़ इन हिंदी में आपका स्वागत है। देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को बेचा जाएगा। एयर इंडिया को फ़ायदे में लाने की कई कोशिशों के बाद अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट ने इसे बेचने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे कैसे बेचा जाएगा इसका फैसला एक कमेटी करेगी। सरकार क्यों मजबूर हुई इस एयर इंडिया को बेचने पर, हम बताते हैं। एयर इंडिया 50,000 करोड़ के घाटे पर चल रही है और इस पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। इसके बावजूद घरेलू उड़ान के बाजार में एयर इंडिया तीसरे नंबर की एयरलाइंस है। भारत के अंदर उड़ान में जितनी भी कमाई होती है उसमें 14% कमाई एयर इंडिया करती है, जबकि इसकी 75% उड़ान विदेशों के लिए होती है। एयर इंडिया के पास 118 विमान हैं, जिसमें से 111 विमानों को खरीदने का फैसला 2005 में किया गया था। 70,000 करोड़ रुपए में इन विमानों को खरीदा गया था, लेकिन इस फैसले के बाद एयर इंडिया की हालत ख़राब हो गई है। जब इसके साथ इंडियन एयरलाइंस मिला लिया तो ये घाटे में चली गई। 85 साल पहले 1932 में JRD टाटा ने इसे शुरू किया था। इसकी पहली उड़ान कराची से मुंबई तक हुई थी। 1948 में सरकार ने इसका 49% हिस्सा खरीद लिया था। 1953 में सरकार ने इसे पूरी तरह से टाटा ग्रुप से खरीद लिया और एयर इंडिया भारत की सरकारी एयरलाइंस बन गई। खबरें हैं कि टाटा ग्रुप और इंडिगो इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडिगो ने जताई एयरलाइंस को खरीदने की इच्छा भी जाहिर कर रखी है। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।